नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। परिषद की एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जिसने बैठक बुलाई थी कैंसिल कर दी। नगर निगम के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बैठक बुलाई गई कैंसिल कर दी गई। इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा हैं। मैं सीधे उन्हीं से बात करूंगा। परिषद की बैठक बुलाई और कैंसिल कर दी आप लोगों ने? देखिए, परिषद की बैठक ना हमने बुलाई ना हमने कैंसिल की। परिषद की जो बैठक 2 तारीख को होना था, विशेष सम्मेलन, वो नियम विरुद्ध थी। धारा 30 में उल्लेख है कि परिषद के में बैठक जो होगी, निर्वाचित पार्षद के 1/3 पार्षदों की बहुमत से आवेदन दिया जाएगा अध्यक्ष को। अध्यक्ष के माध्यम से वो कमिश्नर के माध्यम से हमारे पास आएगा और फिर अध्यक्ष से हम लोग चर्चा करके उसकी डेट निर्धारित करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष को आवेदन दिया गया, अध्यक्ष ने आयुक्त को मार कर दिया और आयुक्त ने पुनः अध्यक्ष को मार करके डेट निर्धारित करा दी और परिषद की जो बैठक असंवैधानिक हुई। उसका एक और कारण था कि धारा 30 में उल्लेख है कि जो परिषद की विशेष बैठक कराई जाएगी उसमें सिर्फ विषय वस्तु पर चर्चा होगी। चर्चा उपरांत ना उसमें निर्णय पास होगा और ना कोई अभिलेख नस्ती प्रस्तुत होगी। उसमें जो आयुक्त ने पत्र जारी किया उसमें उन्होंने लिखा कि समस्त नस्तियों के साथ योजना क्रमांक 6 की बैठक को में आयोजित की जाए। रीवा शहर में अगर बात की जाए योजना क्रमांक 6 की, काफी दिनों से विवादित है। पिछले बात की जाए, अगर आपको छोड़ के मैं बात करूं तो हमेशा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर रहा, परिषद MIC उनकी होती थी। उन्होंने आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया, अगर उठाया भी तो गलत तरीके से। अब एक बार फिर ये मुद्दा उठा था, इस मुद्दे में किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, क्या है, योजना क्रमांक 6/94 में नगर सुधार न्यास ने समस्त अस्थियों के साथ जब मर्ज हुआ तो नगर निगम में मर्ज हुआ, वो सारी योजना नगर निगम की हो गई। उसके कर्मचारी आ गए, गाड़ी घोड़ा आ गए, उसकी बिल्डिंगें आ गई, सारा दफ्तर आ गया। वो योजना मरी नहीं हुई थी, अधिग्रहित भूमि थी, लोगों ने मुआवजा नहीं लिया। जब मुआवजा नहीं लिया तो दोष उनका था। कुछ लोग कोर्ट चले गए, कुछ लोग कोर्ट नहीं गए, तो इस तरह की वो योजना क्रमांक जो 6 थी वो उस समय होल्ड हो गई। वो चलती रही 2009 में जब वीरेंद्र गुप्ता महापौर बने, उस समय भी प्रकरण उठा, क्योंकि वो जो लोगों ने भू स्वामियों से जमीन लेकर बनाया था उनको तकलीफ हो रही थी, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों ने वीरेंद्र गुप्ता जी से संपर्क किया, वीरेंद्र गुप्ता महापौर थे, उन्होंने परिषद में संकल्प पास किया। उस जमाने के हिसाब से डेवलपमेंट शुल्क 17 रुपये लागू किया गया, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी को जांच करना था, लोगों से आवेदन लेना था, फिर डेवलपमेंट शुल्क के हिसाब से ये काम करना था। सारा कुछ गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ कर दिया और किसी ने कोई काम नहीं किया, ना उस कमेटी ने काम किया, ना सरकार ने किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजेंद्र शुक्ला जी जो आज विधायक, उस समय मंत्री भी थे। फिर उसके बाद शिवेंद्र सिंह महापौर हुए, फिर ममता गुप्ता जी हुई, 15 साल भाजपा की महापौर। उस प्रस्ताव के बाद 10 साल 11 साल भाजपा के महापौर, अब फिर नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं लोगों की मनसा योजना क्रमांक 6 के जो भूमि लेकर घर बनाने वाले लोग हैं उनको फायदा देने की नहीं। योजना क्रमांक 6 में लोगों को फायदा देने की मंशा नहीं, ये तो आपने कह दिया। वहां काफी लोग हैं। नगर सुधार न्यास ने 84 में नगर सुधार न्यास बना था, 94 में उसका विलय हो गया नगर निगम में, तब से ये स्कीम पड़ी हुई है। 6 में काफी लोगों के मकान है। आप रीवा नगर निगम के महापौर हैं, जनता ने आपको वोट दिया, आप कहते भी हैं कि मैं महापौर हूं, जनता की वजह से पूरा शहर महापौर है। उस स्थिति में आप योजना क्रमांक 6 के लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, हमारे पास जब वो नस्ती आई, अभिलेख आए, हमने उसमें देखा कि बहुत त्रुटियां थी। उस त्रुटि को सुधारने के लिए हमने 20 बिंदुओं की क्वेरी की, जवाब अपूर्ण थे। फिर मैंने क्वेरी की, क्वेरी का जवाब नहीं आया, डायरेक्ट परिषद का एजेंडा आ गया। काम ही नहीं करना चाहते, सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ना आपके माध्यम से,
कि योजना क्रमांक 6 का पूरा अभिलेख जनता के पास भिजवा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता स्वयं निर्णय ले लेगी कि हमारे साथ कौन छलावा कर रहा। छलावा कर रहे हैं स्थानीय विधायक, यहाँ पर उनके लोग पार्षद हैं, गलत भ्रामियां पैदा कर रहे हैं, गलत जानकारियां दे रहे हैं। आज हमने यही पत्रकार वार्ता करके सही जानकारी दे दी, अब जिसको पत्रकार वार्ता करना हो करे, जिसको पत्रकार वार्ता करना है करे। ये तो एक अलग भगवान राजनीतिक मुद्दा हो गया। हम केवल आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को आप 6 नंबर स्कीम में जो लोग फंसे हुए हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परिषद भी उनकी है, आपको काम करने में लगातार वो लोग रोड़े भी लटका रहे होंगे, हो सकता ऐसा भी हो। अब आगे क्या सवाल ये होता है, अब आगे क्या परिषद की बैठक भी कैंसिल हो गई? नहीं, परिषद की बैठक तो उसमें ये मुद्दा ये मुद्दा ही नहीं था, इसीलिए कैंसिल हो गई। ये तो देखिए क्या है कि भ्रम फैलाने के लिए परिषद की बैठक की जा रही थी, उसमें ये जब लगा कि अभी फंस जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से लेकर प्रमुख सचिव तक पत्र लिख दिया था और नियम और अधिनियम से ही नगर निगम। क्या ये माना जाए कि जब चुनाव आता है तो इसी तरीके के मुद्दे उठते हैं? ये भाजपा का काम, चुनाव तो कांग्रेस भी लड़ेगी ना, हम भी चाहते थे इसमें रोटी सेकने लगते, पर न जनता का महापौर होने के नाते मैं जनता के साथ हूं, उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि योजना क्रमांक 6 वार्ड नंबर 16 के रहवासियों को बिल्कुल निस्पीकर होकर सोए, बहुत जल्दी उनको उनके मकान का मालिकाना हक मिलेगा, बहुत जल्दी उनको उनके मकान का मालिकाना हक मिल जाएगा। इस तरीके से कहना था रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा का। उन्होंने आज पत्रकार वार्ता करके तमाम मुद्दों पर तफसील से बात की। अब देखना दिलचस्प होगा कि निकट भविष्य में क्या होता है।